हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्नोडेक की बातों में। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज की वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं रियलमी एक्स 50 वर्सेस पोको एक्स 2 का। फुल कंपैरिजन इस वीडियो में करने वाले हैं। हम बताएंगे इन दोनों फोन के हर एक फीचर्स के बारे में, जैसे कि कैमरा हो गया, फ्रंट कैमरा एंड बैक कैमरा हो गया, उसके बाद इसका डिस्प्ले का हो गया एंड इसका स्पीकर हो गया एंड बाकी सारे इसके हर एक स्पेक्स, मतलब इस वीडियो में हम इन दोनों का कंपेयर करेंगे और बताएंगे कि आपको कौन सा फोन लेना चाहिए। हालांकि X50 अभी इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन ऑफिशियली ये चाइना में लॉन्च हो चुका है, वो भी 5G के अंदर। इसलिए मैंने दोनों फोन के नीचे 5G लिखा था। दोनों ही फोन चाइना में 5G में लॉन्च हुए हैं और दोनों ही फोन की प्राइस अंदर 30,000 है। हमारा तो जो पोको X2 आता है वो अंदर 20,000 आता है एंड दो ये रियलमी एक्स 50 आता है वो अंदर 30,000 आता है। तो इन दोनों का हम कंपैरिजन करने वाले हैं और बताएंगे कि क्या रियलमी एक्स 50 5G में इंडिया लॉन्च हो सकता है इंडिया में, या फिर 4G में ही लॉन्च होगा। और इन दोनों का कंपैरिजन तो इस वीडियो में होने ही वाला है एंड रिव्यू भी देंगे आपको कि इन दोनों में से आपको कौन सा फोन लेना चाहिए। रियलमी एक्स 50 लेना चाहिए जो कि बाद में लॉन्च होगा, यानी कि आपको मार्च में देखने को मिलेगा ये फोन इंडिया में, एंड या फिर आपको ये लेना चाहिए जो फरवरी में लॉन्च हो चुका है पोको एक्स 2। इन दोनों फोन में से आपको कौन सा खरीदना चाहिए, क्या रुकना चाहिए रियलमी एक्स 50 के लिए, तो इस वीडियो में हम वही बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर, उधर ही इन दोनों फोन का हम कंपेरिजन करेंगे और बताएंगे हर एक एक स्पेक्स इन दोनों फोन के। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं मोबाइल स्क्रीन पर, आप यहां पर देख सकते हैं एक तरफ है रियलमी एक्स 50 जो कि इंडिया में अभी ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ है, और एक तरफ है शाओमी पोको एक्स 2 जो कि पोको शाओमी का सब ब्रांड है। अब यहां पर जैसे मैंने आपको बताया था कि अंडर 30,000 आपको मिल जाएगा फोन, तो वो मैंने आपको बताया था इंडियन प्राइस के हिसाब से अंडर 30,000 के अंदर ये फोन लॉन्च हो जाएगा, लेकिन ये फोन अभी चाइना के अंदर अंडर 20,000 मिलता है इंडियन प्राइस के हिसाब से। एंड यहां पर पोको एक्स 2 तो आपको अंडर 16,000 में मिल ही जाता है। तो यहां पर बात कर लें इन दोनों के डिस्प्ले इंचेस की, तो 6.7 इंचेस के दोनों ही डिस्प्ले, दोनों में ही डिस्प्ले लगे हुए हैं। एंड बात कर लें डिस्प्ले पिक्सल्स की, तो यहाँ पर 1080x2400 पिक्सल्स दोनों में ही दिए गए हैं, दोनों के पिक्सल सेम हैं। एंड PPI पिक्सल डेंसिटी की बात कर लें तो 395 PPI दोनों में ही है, दोनों ही के पिक्सल्स भी सेम है, PPI पिक्सल डेंसिटी भी सेम है एंड स्क्रीन साइज भी सेम है। एंड यहीं पर बात कर लें सिंगल प्लस हेक्सा कोर इसमें लगे हुए हैं X50 में। एंड इधर ही बात कर लें पोको X2 की, तो डुअल प्लस हेक्सा कोर लगे हुए हैं। अब यहीं पे कोर्स की बात कर लें X50 की, तो 2.4 GHz प्लस 2.2 GHz प्लस 1.8 GHz 6GB रैम के साथ आता है। अब यहीं पे बात कर लें X2 की, मतलब पोको X2 की बात कर लें यहाँ पर, मतलब कौन सा कोर आपको कितना कोर मिलता है, डुअल हेक्सा कोर जो है वो है 2.2 GHz प्लस 8 GHz प्लस 1.8 GHz प्लस 1.8 GHz 6GB रैम दोनों में ही मिलता है। एंड इधर ही बात कर लें यहाँ इन दोनों के मेमोरी की, तो 128 GB मिलती है आपको X50 में, जो कि 6GB रैम एंड 128 GB रोम है 20,000 रुपये में। एंड इधर ही बात कर लें 16,000 रुपये में आपको 6GB रैम मिलता है, 64GB रोम मिलता है पोको X2 में। एंड यहां पर आप मेमोरी एक्सपांड कर सकते हैं 512GB तक, एंड X50 में आप मेमोरी एक्सपांड नहीं कर सकते। अब बात कर लें दोनों ही फ़ोन के कैमरा की, तो X50 में आपको 64+8+13+2 मेगापिक्सल का ट्रिपल प्राइमरी कैमरा मिलता है। एंड इधर ही बात कर लें पोको X2 के बैक कैमरे की, तो 64+8+2+2 प्राइमरी आपको 4 प्राइमरी कैमरा मिलता है। अब यहीं पे बात कर लें फ्रंट कैमरा की, तो दोनों ही फ़ोन डुअल पंच होल डिस्प्ले के साथ, डुअल पंच होल कैमरा के साथ आते हैं। तो यहाँ पर X50 का जो पंच होल कैमरा है 32 MP का रियल कैमरा है एंड 8 MP का फ्रंट कैमरा जो डेप्थ सेंसर दिया गया है। एंड इधर ही बात करें पोको X2 की, तो यहाँ पर आपको 20 MP का फ्रंट रियल कैमरा मिलता है एंड 2 MP का डेप्थ सेंसर मिलता है। 4500 mAh की दोनों ही बैटरी है दोनों ही फ़ोन की। एंड यहीं पर जनरल की कुछ बात कर लें, लॉन्च डेट की बात कर लें, तो मार्च 9 2020 तक आपको ये देखने को मिल जाएगा
ऑफिशियली आपको X50। एंड यहीं पर बात कर लें, फेबरवरी 11, 2020 से ऑफिशियली लॉन्च होकर यहाँ पर मिलने भी लगा है ये X50 की, एक सेल भी जा चुकी है X2 की। एंड यहाँ पर ब्रांड की बात करें तो रियलमी एंड शाओमी पोको। मॉडल की बात कर लें तो X50 एंड X2। यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन सिस्टम की बात कर लें तो एंड्रॉयड 9 पाई के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पर एंड्रॉयड 9 पाई के ऊपर लॉन्च हुआ था चाइना में, वही यहाँ पर दिखाया जा रहा है X50 जो कि एंड्रॉयड 9 पाई के ऊपर लॉन्च हुआ था। ये चाइना में लॉन्च होकर तकरीबन 2 महीने हो गए हैं इस फ़ोन को, इसलिए एंड्रॉयड 9 पाई पर। अब यहाँ पर इंडिया में आएगा तो हो सकता है कि एंड्रॉयड वर्जन 10 के साथ आए या फिर 11 के साथ आए। अब यहीं पर बात कर लें पोको X2 की तो एंड्रॉयड वर्जन 10 के साथ यहाँ पर लॉन्च हुआ है इंडिया में ऑफिशियली। एंड यहीं पर कस्टम UI की बात कर लें तो कलर OS 7 या 8 के साथ आ सकता है इंडिया में X50। एंड MIUI 11 के साथ आता है पोको X2। यहीं पर सिम स्लॉट की बात कर लें तो डुअल सिम GSM आप दोनों सिम इसमें लगा सकते हैं, 2 सिम आप इसमें लगा सकते हैं X50 में। एंड X2 की बात कर लें तो यहाँ पर डुअल सिम GSM डुअल वोल्टी फोन है यहाँ पर X50 यहाँ पर डुअल यहाँ पर वोल्टी है या नहीं है X50 का, यहाँ पर रियलमी X50 का नहीं बताया गया है। एंड पोको X2 का यहाँ पर बताया गया कि ये डुअल वोल्टी फ़ोन है। यहाँ पर सिम साइज़ की बात कर लें तो यहाँ पर आप दोनों ही फ़ोन में सिम कार्ड आप नैनो लगा सकते हैं। एंड यहाँ पर X50 में आप यहाँ पर कोई मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते हैं। अब यहीं पर बात कर लें यहाँ पर बात कर लें पोको X2 की तो यहाँ पर हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया गया है, मतलब आपको यहाँ पर अलग से सिम कार्ड के लिए कोई वो नहीं मिलता, आप एक सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं या फिर 2 सिम कार्ड लगा सकते हैं, फिर मेमोरी कार्ड नहीं लगा पाएंगे। नेटवर्क की बात कर लें तो दोनों ही फ़ोन 4G 3G 2G अवेलेबल हैं इंडियन ब्रांड के हिसाब से। फिंगरप्रिंट सेंसर की बात कर लें तो दोनों में ही दिया गया है। क्विक चार्जर की बात कर लें तो यहाँ पर वूफ चार्जर 4 आपको सपोर्ट मिलता है X50 में, जो कि 0 to 70% आपके फ़ोन को 30 मिनट के अंदर चार्ज कर देगा X50 को। एंड यहीं पे बात कर लें यहाँ पर पोको X2 की तो यहाँ पर 27 वाट का आपको फास्ट चार्जर मिलता है जो कि बॉक्स के अंदर ही आपको मिल जाएगा। ये 0 to 80% आपके फ़ोन को 30 मिनट के अंदर चार्ज कर देगा, ये 70 वाट का चार्जर जो कि पोको X2 में आपको मिलता है। अब यहाँ पर बात कर लें डिज़ाइन की तो यहाँ पर हाइट एंड यहाँ पर नहीं लिखा गया है X50 का, तो यहाँ पर कंपेयर करके कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर मैं X2 का बता देता हूँ तो यहाँ पर 165.3 mm की हाइट दी गई है, चौड़ाई दी गई है यहाँ पर 76.6 mm की, यहाँ पर थिकनेस मतलब मोटाई या पतलाई यहाँ पर 8.7 mm की दी गई है। यहाँ पर वेट की बात कर लें तो वेट दोनों ही फ़ोन के दिए गए हैं, 185 ग्राम का है आपका रियलमी X50। एंड पोको X2 जो है ये आपको आता है 208 ग्राम्स का। आप यहाँ पर कलर्स की मतलब यहाँ पर बैक में क्या आपको मिलता है तो यहाँ पर X50 में तो ग्लॉसी ही मिलेगा आपको, क्योंकि ग्लॉसी का ट्रेंड है यहाँ पर इंडिया में, ग्लॉसी में ही लॉन्च होगा एंड चाइना में भी ग्लॉसी में ही लॉन्च हुआ है। और यहाँ पर आपको X2 भी पोको X2 भी ग्लॉसी ही मिलता है। कलर्स की बात कर लें तो यहाँ पर ब्लू पर्पल एंड रेड मिलता है एंड X50 का शायद वाइट मिलेगा और कोई दूसरा 3 2 कलर और हैं। यहाँ पर वाटरप्रूफ के उस पर तो यहाँ पर दोनों ही स्प्लैश प्रूफ फ़ोन दिए गए हैं वाटरप्रूफ के आधार पर। अब यहाँ पर स्क्रीन साइज़ की तो मैंने पहले ही बता दी, स्क्रीन का रेजोल्यूशन मैंने पहले ही बता दिया। एक्सपेक्ट रेशियो की बात कर लें तो यहाँ पर 20.9 का एक्सपेक्ट रेशियो दोनों ही फ़ोन में आपको देखने को मिल जाता है। बेजल डिस्प्ले के साथ यहाँ पर पंच होल डिस्प्ले दोनों में ही मिलती है जो कि डुअल पंच होल डिस्प्ले है। पिक्सल डेंसिटी मैंने दोनों की बता दी, 395 PPI पिक्सल डेंसिटी दोनों में ही फ़ोन में लगी हुई है। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो सुपर एमोलेड आपको मिलती है रियलमी X50 में एंड IPS LCD मिलती है पोको X2 में। एंड स्क्रीन प्रोटेक्शन की बात करें तो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 के साथ दोनों ही आएंगे, मतलब स्क्रीन प्रोटेक्शन में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 लगा हुआ रहेगा। टच स्क्रीन की बात कर लें तो दोनों ही टच स्क्रीन मल्टीपल टच दिए गए हैं। यहाँ पर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो क्लैम्बर्ड की बात कर लें, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो बाय क्लैम्बर्ड दी बॉर्डर, मतलब बॉर्डर मिलाकर आपको कितना स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है। तो यहाँ पर X50 का बताया नहीं गया है तो यहाँ पर मैं बता दूँ आपको पोको X2 का 91% आपको बॉर्डर मिलाकर
स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिल जाता है। एंड यहाँ पर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो क्लैम्बर्ट की बात कर लें, मतलब सिर्फ आपको स्क्रीन कितनी मिलती है, तो यहाँ पर एक्स फिफ्टी का भी नहीं बताया गया है, तो यहाँ पर 84.83% मिलता है आपको पोको एक्स टू में। एंड इधर मैं आपको बता देता हूँ रियलमी एक्स फिफ्टी का कि आपको कितना कितना मिलता है, इधर तो बताया नहीं गया लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको 92% आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो द बॉर्डर बॉर्डर के साथ मिल जाएगा। एंड स्क्रीन टू बॉडी रेशियो क्लैम्बर की बात कर लें तो यहाँ पर आपको 85% मिल जाएगा। अब यहाँ पर प्रोसेसमेंट की बात करें तो यहाँ पर आपको चिपसेट की बात कर लें, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G मिलता है आपको X50 में। एंड यहाँ पर आपको जो X2 में मिलता है वो उसी का छोटा भाई मिलता है जो कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G है। प्रोसेसर के कोर मैंने पहले ही आपको बता दिए थे, चिपसेट के मैं बाइट बता देता हूँ, 64 बाइट के दोनों ही चिपसेट हैं। यहाँ पर ग्राफिक्स की बता दूँ तो यहाँ पर एड्रीनो 620 लगा हुआ है, 620 लगा हुआ है आपको X50 में। एंड यहाँ पर पोको X2 में आपको एड्रीनो 618 लगा हुआ है, इसमें दोनों में जाना अंतर नहीं है। हालांकि आप पबजी हाई फ्रेम रेट पे जैसे आप HD में या आपको X50 में और भी ज़्यादा ग्राफिक्स देखने को मिल जाएगी, HD प्लस HD में आप देख सकते हैं, FHD में आप पबजी तो खेल ही सकते हैं X50 में। एंड रियलमी X2 में भी आप खेल सकते हैं। रैम की बात कर लें तो 6GB रैम दोनों को ही मिलती है। इंटरनल मेमोरी की बात कर लें तो 128GB रैम मिलती है, आप रोम मिलती है आपको X50 में, इसलिए आप एक्सपांड नहीं कर सकते। और यहाँ पर 64GB मिलता है आपको X2 में। एंड यहाँ पर मेमोरी एक्सपांड की बात कर लें तो X50 में आप नहीं लॉन्च एक्सपांड नहीं कर सकते, और X2 में आप एक्सपांड कर सकते हैं अप टू 512GB तक। OTG सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर दोनों ही फ़ोन OTG सपोर्ट करते हैं। मेन कैमरा की बात कर लें तो यहाँ पर मैंने पहले ही आपको कैमरे के बारे में सब कुछ बता दिया। कैमरा स्टेप की बात कर लें तो क्वाड है, मतलब आपको दोनों में ही चार कैमरे देखने को मिल जाते हैं, क्वाड का यही मतलब होता है। सेंसर की बात कर लें तो यहाँ पर XRS कम सेंसर के साथ दोनों ही आते हैं, XROM कम सेंसर के साथ दोनों ही आते हैं। ऑटो फोकस की बात कर लें तो यहाँ पर X50 में आपको ऑटो फोकस मिलता है, एंड यहाँ पर आपको X2 में ऑटो फोकस मिलता है, फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस आपको मिलता है। यहाँ पर अपल्चर की बात कर लें, यहाँ पर मतलब अपल्चर कितना है तो वह F1.89% अपल्चर दिया गया है। हो सकता है यहाँ पर रियलमी X50 में भी वही कैमरा लग गया है तो आपको यही अपल्चर देखने को मिलेगा। फ्लैश की बात कर लें तो LED फ्लैश दोनों में ही दिया जाता है यहाँ पर। और इमेज ऑप्टिमाइजेशन स्टेबिलिटी की बात कर लें तो यहाँ पर अभी X50 में बताया नहीं गया, और आपको पोको X2 में नहीं मिलता है स्टेबलाइजेशन इमेज की, जैसे आप हिलते हुए चीज़ की फ़ोटो खींचेंगे तो स्टेबल नहीं रहेगा, आपको वो हिलता हुआ ही दिखाई देगा। या हिलती हुई कुछ चीज़ की आप फ़ोटो खींचेंगे, जैसे गाड़ी चल रही है या फिर पेड़ हिल रहा है, आप उसकी वीडियो खींच रहे आप उसकी वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वीडियो को, तो आपको इसमें पेड़ हिलता हुआ मतलब पूरा ऐसा पेड़ हिलता हुआ दिखाई देगा, उसमें आपको कुछ साफ नहीं दिखाई देगा, स्टेबलाइजेशन का यही मतलब होता है। और अगर स्टेबलाइजेशन है तो आपको वो पेड़ एकदम स्मूथली हिलता हुआ दिखाई देगा और आप उसके हर एक एंगल को देख सकते हैं। हम यहाँ पर इमेज रेजोल्यूशन की बात करें तो 9000 × 7000 पिक्सल मिलती है X50 में, एंड इधर X2 में भी वही पिक्सल्स मिलती है। सेटिंग की बात कर लें तो यहाँ पर सेटिंग हम नहीं बात करें, शॉर्ट मोड की बात कर लें तो यहाँ पर आप सेटिंग की मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। अब यहाँ पर कैमरा फीचर्स की बात करें तो डिजिटल जूम, ऑटो फोकस, ऑटो फ्लैश, फेस डिटेक्शन, टच टू फेस टोन दोनों ही फ़ोन में एक जैसी फीचर्स मिलते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात कर लें तो 3840 × 2160 30 FPS पर आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं पोको X2 में, एंड शायद रियलमी X50 में भी आप इतने में ही वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे या फिर आप 4K तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। फ्रंट कैमरा मैंने बता ही दिया था, फ्रंट कैमरा का सब कुछ अब मैं आपको बता दूं कि फ्रंट कैमरा में आपको दोनों ही फ़ोन डुअल पंच होल कैमरा के साथ आते हैं। अपल्चर की बात कर लें तो F2.2 अपल्चर के साथ आता है हमारा Realme X2 का फ्रंट कैमरा, एंड यहाँ पर Realme X50 का बताया नहीं गया। अब यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात कर लें, यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग की वो मैं बता दूं तो आपको 1920 × 1080 30 FPS पर आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं
पोको एक्स टू में एंड रियलमी एक्स फिफ्टी में अभी नहीं बताया गया। बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पर 4000 mAh की बैटरी कैपेसिटी दी गई है दोनों ही फ़ोन में। टाइप की बात करें तो लाइफबॉय की दोनों ही बैटरी, दोनों में ही फ़ोन में बैटरी मिलती है। यूज़र रिफ्लेक्शन दोनों में ही नहीं दिया गया है। क्विक चार्जर दोनों ही सपोर्ट करते हैं, जो कि मैंने पहले ही आपको क्विक चार्जर के बारे में बता दिया है। बूस्ट चार्जर 4.0 सपोर्ट करता है एक्स फिफ्टी एंड एक्स टू जो सपोर्ट करता है फास्ट 27 वाट का फास्ट चार्जर सपोर्ट करता है, जो कि अंडर बॉक्स आपको मिल जाएगा। हम यहीं पर बात कर लें सिम की, तो यहाँ पर सिम के बारे में पहले ही बता चुका हूँ एंड दोनों ही फ़ोन डुअल 4G वोल्टी हैं। अब यहाँ पर सर्वर वॉल्यूम की बात कर लें तो यहाँ पर वॉल्यूम की हम नहीं बात करने वाले हैं। वाईफाई की बात कर लें तो वाईफाई फीचर में आपको मोबाइल हॉटस्पॉट दोनों में ही मिल जाता है। ब्लूटूथ वर्जन की बात कर लें तो वर्जन 5 दोनों में ही मिल जाएंगे। GPS की बात कर लें तो AGPS ग्लासेस दोनों में ही मिल जाएंगे। NFC की बात कर लें तो यहाँ पर आपको NFC सपोर्ट करता है, यहाँ पर X50 भी NFC सपोर्ट करता है एंड पोको X2 भी NFC सपोर्ट नहीं करता है। यहाँ पर USB कनेक्टिविटी के बाद यानी मिसेस स्टोरेज डिवाइस USB चार्जर दोनों ही सपोर्ट करता है एंड यहाँ पर USB टाइप की बात करें तो USB टाइप सी दोनों ही सपोर्ट करते हैं। डज नॉट सपोर्ट अ माइक्रो USB, दोनों ही माइक्रो USB नहीं सपोर्ट करते हैं। इसमें दोनों में ही आपको USB टाइप सी पोर्ट देखने को मिलेगा चार्जिंग के लिए। लाउड स्पीकर की बात करें तो दोनों में लाउड स्पीकर का लाउड स्पीकर मिलता है आपको। ऑडियो जैक की बात करें 3.5 mm ऑडियो जैक दोनों में ही दिया गया है। अब यहाँ पर ऑडियो फीचर्स की बात कर लें तो डॉल्बी एटमॉस्फेयर का आपको सपोर्ट मिलता है X50 में, रियलमी X50 में एंड यहाँ पर पोको X2 में। कौन सा स्पीकर लगा हुआ है यहाँ पर नहीं बताया गया। फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों में ही मिलता है। फिंगरप्रिंट सेंसर पॉइंट की बात कर लें तो ऑन स्क्रीन मतलब स्क्रीन के ऊपर मतलब स्क्रीन के अंदर ही आपको मिल जाता है X50 में एंड यहाँ पर साइड में मिलता है आपको पोको X2 में। अब आप सोचोगे कि पोको X2 में साइड में फिंगरप्रिंट कैसे मिलता है, तो मैं आपको बता दूं कि इसका पावर बटन ही इसका फिंगरप्रिंट सेंसर है एंड फिंगरप्रिंट सेंसर ही इसका पावर बटन है। एंड अदर सेंसर की बात करें तो लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमेटली सेंसर एंड बाकी सारे सेंसर आपको दोनों में ही सेम मिलते हैं। तो यही थी दोस्तों वीडियो, अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ना अच्छी लगे तो डिसलाइक कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को एंड प्रेस कीजिए बेल आइकन ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। जो भी गलतियाँ होंगी माफ़ कर देना।